हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7S एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है हॉटस्पॉट का पासवर्ड आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये हॉटस्पॉट नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा हॉटस्पॉट एंड थिएटरिंग, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा वाईफाई हॉटस्पॉट, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा हॉटस्पॉट पासवर्ड का, इसे सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन हो जाएगा हॉटस्पॉट पासवर्ड का। इसमें आपका जो भी पासवर्ड पहले से लिखा हुआ है इसे आपको कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। पासवर्ड सेट करने के लिए आप कीबोर्ड में से काउंटिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो अल्फाबेट के लेटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो काउंटिंग और अल्फाबेट के लेटर्स को आप मिक्सअप करके भी एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा पासवर्ड यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। हम इस ऑप्शन को दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो देखिए वही पासवर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो मैंने चेंज किया था। तो इस तरीके से आप अपना हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है और सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, ठीक है। तो आपको जो है नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा हॉटस्पॉट पासवर्ड का, ये वाला। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।